हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर लाइफ एंड स्टडीज। तो फिर से मैं वापस आ चुका हूँ बीआर 2022 के बच्चों के लिए बात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरी पूरी वीडियो देखना, क्योंकि ये पूरी वीडियो आप ही के लिए बनी है, आप ही के लिए पूरा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपने मेरी पिछली दो वीडियो नहीं देखी होगी बीआर 2022 पे, तो ये वीडियो में मैं उन सारे टॉपिक्स को भी कवर करूंगा। और आपके लिए एक ऑफर भी है कि हमारा फ्री लाइव डेमो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे और एक्चुअली में क्या क्या चीजें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी आर्किटेक्चर कोर्स करने से पहले। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हर एक बच्चे के पास रहनी चाहिए, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है, बहुत अंत पहुंच जाता है, फिर भी बच्चों को नहीं पता रहता है कि आईटी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे करना है, एनआईटी कॉलेजेस में एडमिशन कैसे करना है, डिफरेंट जो हमारे बेस्ट यूनिवर्सिटी जैसे सीईपीटी यूनिवर्सिटीज है तो उसमें एडमिशन करने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें नहीं पता रहती है बच्चों को। तो आज इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कल इसी चीज के बारे में बात मैंने सेमिनार में की थी जो हमने बीआर 2022 के बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज की थी। पहले अगर मैं व्हाट इज आर्किटेक्चर, व्हाई चूज आर्किटेक्चर, ये सब चीजों पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये चीजें ना अभी मतलब आपने चूज कर लिया ना आर्किटेक्चर, क्यों उस पर क्यों बात करना है, आपने सोच लिया एक बार फिर उस पर बात करके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहिए। सीधे हम आते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम क्या क्या है आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम क्या है, तो हमारे पास दो एंट्रेंस एग्जाम है, बेसिकली तीन एंट्रेंस एग्जाम भी हम कह सकते हैं, लेकिन डिफरेंट वे से आप समझो। एंट्रेंस एग्जाम एक एनटीए कंडक्ट करा रहा है, दूसरा हमारा नाटा है। ठीक है, अब एनटीए की बात करूं तो एनटीए में जेईई मेन पेपर वन और फिर जेईई एडवांस और फिर एटी देने के बाद अपना आर्किटेक्चर करते, मतलब आर्किटेक्चर किसी आईटी कॉलेजेस से करते हो, अभी मैं ड्रीम कॉलेजेस भी दिखाऊंगा आप। और जेईई मेन पेपर टू एक पेपर है जो कि एनटीए कंडक्ट कराता है और नाटा है। ठीक है, तो इतने पेपर्स हैं हमारे मतलब आर्किटेक्चर में एंट्रेंस करने के लिए। अगर आप आईटी से जाना चाहते हो फिर आपको जेईई मेन पेपर, अगर आप आईटी में एडमिशन कराना चाहते हो फिर आपको जेईई मेन पेपर वन एडवांस और एटी देना पड़ेगा। अगर आप एनआईटी या एसपीए जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके साथ आपको जेईई मेन पेपर टू और साथ में नाटा भी देना पड़ेगा, क्योंकि नाटा इस बार कंपलसरी है। अगर मैं ड्रीम कॉलेजेस की बात करूं तो जो जेईई मेन पेपर वन से आपको मिलने वाला है वो हो गया आईटी रुड़की, आईटी खड़गपुर और आईटी बीएचयू। ठीक है, तो अगर आपको आईटी से आर्किटेक्चर करना है तब आपको जेईई मेन पेपर वन और जैसा कि मैंने बताया आपको एडवांस और एटी के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको एसपीए एनआईटी सीसीए और जामिया जैसे कुछ बेस्ट कॉलेजेस में जाना है आर्किटेक्चर करने के लिए, मतलब आपका ड्रीम कॉलेज जैसे ड्रीम कॉलेज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको ड्रीम कॉलेज में जाना है जेईई मेन पेपर टू के साथ तो उसके साथ आपको जेईई मेन पेपर टू और साथ में प्लस नाटा भी रखना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं बाई नाटा मतलब नाटा के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सिंगल नाटा के थ्रू अगर आपको एडमिशन लेना है जैसे कि सीईपीटी यूनिवर्सिटी हो गया, सर जेजे कॉलेज हो गया, कुछ स्टेट काउंसिलिंग से जाना, कुछ जेएनएफयू हैदराबाद, कुछ टॉप कॉलेजेस है जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब ड्रीम कॉलेजेस में अगर आपको जाना है तो बाई नाटा के थ्रू आप जा सकते हो। ठीक है, इसमें जेईई मेन पेपर टू प्लस नाटा होगा। ठीक है, अगर आपको एसपीए एनआईटीज और सीसीए और जामिया जैसे कॉलेजेस में जाना है और सिर्फ नाटा से अगर जाना है तब आपको मिलेगा सीपीट सर जेजे स्टेट काउंसलिंग और जेएनएफयू। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो ड्रीम कॉलेजेस हैं, हमें याद रखना पड़ेगा, मतलब इन हमारा फोकस पॉइंट होना चाहिए ना कि हमें इसी कॉलेज में पढ़ना है, तो वो आप फोकस पॉइंट अभी से बना लो कि भैया मुझे तो पढ़ना है तो एसपीए से ही आर्किटेक्चर करना है, तब आप एक राइट वे में जाओगे कि मेरे को जेईई मेन की भी तैयारी करनी है साथ में नाटा भी क्वालिफाई करना है, तो उस तरीके से आप बढ़ोगे। अगर आपने ड्रीम कर लिया कि मेरे को स्टेट काउंसलिंग से कोई भी कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सिर्फ और सिर्फ नाटा की तरफ बढ़ूंगा और अपने बोर्ड की तरफ बढ़ूंगा जो हमारा 12th का बोर्ड है। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस ना नाटा जेईई का जो मैंने सिलेबस निकाला है वो कंबाइन है, नाटा जेईई मेन पेपर टू और नाटा और जेईई मेन पेपर टू का जो सिलेबस है वो मैंने कंबाइन निकाला है। तो उसमें आपको जो मैथ्स के टॉपिक है वो आपको जेईई मेन पेपर टू के पढ़ने पड़ेंगे, और अगर मैं नाटा की मैथ की बात करूं तो उसमें
आपको बेसिक 10th और 11th के टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, फिर ड्राइंग हो गया, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड हो गया। जैसे आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड मतलब कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग से जो चीज़ें पूछ ली जाती है, अगर मैं आपको दिखाऊं एक मिनट की क्या क्या टॉपिक्स हैं, तो अगर आपको खुद भी चाहिए कि अगर आप खुद भी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब आप कहाँ से टॉपिक सिलेबस और उसे निकाल करके पढ़ सकते हो, तो उसके लिए मेरी वेबसाइट आप जा सकते हो आर्च ओशियन, जिसपे मैंने पूरे सिलेबस एकदम इजी लैंग्वेज में अपलोड करके रखा है कि कोई भी बंदा आए और उसके बारे में पढ़ सकता है कि भैया यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं हमें। तो आप मेरे कोर्सेज पे चले जाना, एजुकेशन पे क्लिक करके कोर्सेज पे सीधे आप कोर्स पे पहुंच जाओगे, ठीक है। आप मेरे किसी भी प्राइम प्रो कोर्स सिलेबस तक आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी सिलेबस तक देख सकते हो, सिलेबस के लिए कोई पैसे नहीं लगने वाले यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने मैथ को चूज किया कि मैथ में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इंटीग्रेशन कैलकुलस, कोनिक सेक्शन, तो यहाँ पे जितने भी 13 चैप्टर आज से 4-5 साल पहले जितने भी चैप्टर से क्वेश्चन, मतलब जैसे भी क्वेश्चन जिसमें वेटेज ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, उन सारे चैप्टर्स को मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है कि आपको इन 13 चैप्टर को इस मतलब सिमेट्री में चलना है। मतलब पहले आप सीक्वेंस ऑफ सीरीज पढ़ो, फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ो, क्योंकि कैलकुलस में आपको आधे से ज्यादा ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो पहले आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला वहां पे यूज होगा। तो इस वे में अगर आप चलोगे तो आपका परफेक्ट मैथ तैयार हो जाएगा। अगर मैं ड्रॉइंग की बात करूं तो ड्रॉइंग में आप अगर यूजेस ऑफ पेंसिल, अगर मैं टोटल बात करूं कि टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने हैं, तो आपके टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स लगभग 250 टॉपिक्स हैं, 250+ घंटे लग जाएंगे। अगर मैं कैलकुलस की ही बात करूं तो कैलकुलस को आपको पढ़ने में कम से कम 20 से 25 घंटे लगेंगे अगर आप किसी से पढ़ भी रहे हो तो। ये मेरी स्ट्रेंथ है, मतलब मेरी पढ़ाने की तरीका है, मतलब 20 से 25 घंटे अगर आपकी क्लासेस लूंगा तब जाके आपका कैलकुलस खत्म होगा। वो आसान नहीं है, करना आसान नहीं होता, उसके लिए आपको अभी से तैयार और धीरे धीरे, कहते हैं ना कि वो कौवा वाला जो स्टोरी चल रहा था कि आप घड़ा को बूंद बूंद से मतलब छोटा छोटा वो भे कंकर डाल डाल के पानी को ऊपर कर रही थी, तो उसी तरीके से आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हर एक चीज की, चाहे वो ड्राइंग सेक्शन। अब ड्राइंग सेक्शन, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कभी ड्राइंग नहीं किए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ड्राइंग कर रहे होंगे बचपन से, लेकिन हमें तो उन बच्चों के बारे में भी सोचना है ना जिन बच्चों ने अभी से भी ड्राइंग स्टार्ट नहीं किया है अपना, तो वो क्या यूजेज ऑफ पेंसिल सबसे पहले उन्हें सिखाया जाएगा। क्योंकि जैसे हम कुछ भी चीज स्टार्ट करते हैं, जैसे हम बैट बॉल खेलने जाते हैं तो पहले बैट पकड़ना सीखते हैं ना, उसी तरीके से अगर हम ड्राइंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले पेंसिल पकड़ना, पेंसिल की यूजेस क्या है, उससे कैसे स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहनी चाहिए। तो यूजेज ऑफ पेंसिल हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेडिंग्स हमें सीखनी पड़ेगी, स्टील लाइफ हो गया, प्रोस्पेक्टिव, ये सारी जो टॉपिक्स है, 1.2 पॉइंट, इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, ह्यूमन फिगर हो गया, प्रोस्पेक्टिव कंपोजिशंस हो गए, पोर्ट्रेट हो गए, ये सारे टॉपिक्स हैं। और टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जेई मेन पेपर 2 में जिसमें ड्राइंग प्रैक्टिकल में जितने टॉपिक्स आते हैं वो लगभग 5 टॉपिक्स है। देखो मेरी वीडियो को ना 2-3 बार आगे पीछे करके देख लिया करो, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या चीजों को बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग, जैसा मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, प्लिंथ, स्टेयर, वॉल, डोर, विंडो, आर्चेस, रूफ, तो इन सब से क्वेश्चन आता है। आपको रूफ दिखा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन से टाइप ऑफ रूफ है ये, या फिर विंडो दिखा करके पूछ दिया जाएगा कौन से टाइप ऑफ विंडोज है, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं जो भी सिलेबस होने वाले हैं जेई मेन पेपर 2 और नाटा के BR 2022 के लिए। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो खुद से भी पढ़ सकते हो, और नहीं अगर आप खुद से नहीं अपनी प्रिपरेशन कराना चाहते हो तो हमारी भी एक स्ट्रेटजी है जिसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारी डे 0 से लाइव ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, जैसे कि हमारा 4 तारीख से डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको स्टडी मटेरियल आपके घर तक पहुंचेगा, जो भी स्टडी मटेरियल हमारे पास रहेगा वो हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। क्रैश कोर्स भी, हमारी रिविजन कोर्सेस भी चलेगी, लाइव कोर्सेस, ये आपकी, आप अगर हमारे लाइव डेमो क्लासेस में आओगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। ऐसे हमारी लाइव डेमो क्लासेस कुछ इस शेड्यूल में 4 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। मंडे से हम ये सारी, मतलब ये जो सारी रूटीन्स है उसे फॉलो करेंगे, जिसमें ड्राइंग, आर्किटेक्चरल एप्टीट्यूड, मैथ, HOA, जनरल एप्टीट्यूड, मैथ और जनरल नॉलेज, मैथ्स, मतलब सारे टॉपिक, सारे सिलेबस हम कवर करेंगे। क्योंकि आप देखते होंगे, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर एडमिशन लेते होगे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता था 2020 से पहले, कि आपको सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग सिखाया जाता था और 60,000-70,000 रुपये ले लिए जाते थे।
लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हर एक टॉपिक हम कवर करेंगे जो भी टॉपिक नाटा और जेई मेन से रिलेटेड है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आपको हमारी लाइव डेमो क्लासेस लेनी है तो आप 4 तारीख से, लिंक आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारी वेबसाइट पे आप जाकर के यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके क्लिक कर सकते हैं, आपको यहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे हमें किसी भी तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास कॉन्टेक्ट का यहाँ पे सारा ऑप्शन है। अगर आप हमें फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से करना चाहते हैं इंस्टाग्राम से कर सकते हैं, यूट्यूब से करना चाहते हैं तो यूट्यूब से भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको सारी इंफॉर्मेशन, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आपके पास सिलेबस रखा हुआ है, आपको अगर कहीं और से स्टडी करनी है तो वहां से कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन या कहीं और पढ़ रहे हैं और इन टॉपिक से अगर आपको उनको कहना है कि आप हमें इन टॉपिक से भी पढ़ा दो, तो वो भी आप कह सकते हैं कि भैया ये टॉपिक है, ये चैप्टर है, ये चैप्टर आप हमें पढ़ा दो, ठीक है। तो आज से प्रिपरेशन चालू करो, नंबर ऑफ क्लासेस बहुत ज्यादा होने वाली है। अगर आप लास्ट में तैयारी करोगे प्रिपरेशन बहुत महंगी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी से पढ़ाई चालू कर दी है। वो टाइम बहुत पुराना था जब आर्किटेक्चर की तैयारी बच्चे लास्ट से शुरू करते थे, ठीक है। अब वो टाइम आ चुका है कि बच्चे अपनी तैयारी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। तो भैया जिस तरीके का कंपटीशन जेई मेन पेपर 1 में था, उसी तरीके का कंपटीशन अब जेई मेन पेपर 2 और नाटक के लिए भी होने वाला है। तो अपनी तैयारी शुरू से शुरू करो, ठीक है। बाकी मैं तो हूँ ही, आगे की रिगार्डिंग जैसे ही कुछ स्टडी मटेरियल या कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी बीआर के रिगार्डिंग, या कोई चैप्टर या कुछ भी टॉपिक, या कुछ आपको नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। जो भी चैप्टर होगा मैं यहाँ पे आकर के आपको इजी करने की कोशिश करूँगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी तरीके से अपनी वीडियो के थ्रू प्रोवाइड करता हूँ।